मैं कुछ दिनों से ही देख रहा हूं। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है वो लोग सामान लेके आपको बाहर देंगे भी। अगर किसी ने भी कोनन का पैनियर्स लिया है तो नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखना, इस वाले हिस्से को हमेशा ऊपर लगाना है ना कि नीचे का। मेरे पास सनग्लास था ये वाला, ये टूट चुका है, किसी ने तोड़ दिया, सो ये ओल्ड वाला यूज़ करना पड़ रहा है। ओल्ड वाले का प्रॉब्लम क्या है मैं बताता हूँ, ये जो क्लियर है ना इसके ऊपर का एक जो परत होता है जो कलर, वो उठ चुका है। कुछ नहीं कर सकते, एडजस्ट करना पड़ेगा इसी का। भाई तो अभी जा रहा हूँ नकल गार्ड खरीदने, आई होप मुझे मिल जाए, हमारे डोंगजू में ही जाऊँगा, क्योंकि एक नकल गार्ड के लिए मैं कोलकाता सिटी तो एंटर नहीं करने वाला हूँ, क्या कि 250 का पेट्रोल चल जाएगा, नकल गार्ड आता है 500 to 700 का, आई होप यहाँ मिल जाए। बाय द वे आज मेरे को नया वाला पार्सल मेरे को डिलीवर हो रहा है, आप थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे, तो उससे अब थोड़ी देर बाद जाके लेके आऊंगा। पहले जाता हूँ पहले अपना ये सामान ढूंढ लूँ ताकि आधा आधा काम क्लियर हो जाए, क्योंकि और 7 या 8 मिनट 10 दिन के बाद मेरा नया राइड स्टार्ट होगा, तो चलते हैं। ये वाला दुकान राइड होना पड़ता है। नकल गार्ड है अपना कच्चा नकल गार्ड हुआ आपको ये दुकान खुले हुए? मैं कुछ दिनों से ही देख रहा हूँ। A few inches later। हेलो फास्ट। नकल गार्ड का यहाँ पे प्राइस था 950 रुपए, वेलिंगटन में वो 500 में मिलता है, एक्चुअली बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव, इससे अच्छा तो मैं जाके ले लूँ। वैसे जो डोमजूर का जो मेन बस स्टैंड है ना एक्सिस बैंक, उसके ऑपोजिट में ही है, तो अगर आपको खरीदना हो तो आ सकते हो, इसमें कलेक्शन अच्छा खासा। हाँ पार्सल भी रहता है, सूरज सिंह नाम है, पीछे के गेट से जा रहा हूँ, क्योंकि बड़ा है ना, टॉप बॉक्स है, एक्चुअली मैंने आपको बता ही दिया। ये पोस्ट ऑफिस का पिछवाड़ा, क्या हाल बना के रखा है यार इन लोगों ने। वेटिंग। अरे तुम स्मार्ट लग रहे हो रे, मेरे घर पे आता इतना सज धज के, क्या पता किस किस से चक्कर फंसा के रखा है। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है वो लोग सामान लेके आपको बाहर देंगे, आपको अंदर जाके लाना पड़ेगा। वेट इतना ज्यादा नहीं है, बट मेन प्रॉब्लम है कि साइज में काफी ज्यादा बड़ा है। तो ये काइंड ऑफ थैंक यू नोट और रिसीट रहता है इसके अंदर, मुझे इसलिए पता है क्योंकि लास्ट टाइम मैंने खोला था, मुझे लगा कि कोनन ने मुझे कोई लेटर दिया होगा थैंक यू फॉर परचेसिंग, वैसे लिखा रहता है, बट मैंने इसका रिसीट रहता है, तो ये हमारे किसी काम का नहीं है। अभी क्या किस लिए है, यहाँ पे आपका इसका जो स्टे है वो रहना, मतलब टॉप रैप जो टॉप बॉक्स रहेगा उसका रैप है। यह है टॉप बॉक्स का रैक, गुड। पता नहीं क्यों बट मैं अनबॉक्सिंग करते टाइम मैं टेक बर्नर जैसा बिहेव करने लगता हूँ, ये है भाई साहब, आई लव दैट गाय। मेरा फेवरेट काम, तो इसमें देखने जैसा कुछ नहीं, क्योंकि ये मेरा सेम जो मेरे पास जो पैनियर्स, आप अगर नए सब्सक्राइबर हो तो आपको नहीं पता होगा, क्योंकि मेरे पास ये कोनल्स के ही पैनियर है, तो सेम यही मटेरियल है, यही डिजाइन है, बस वो पैनियर्स है तो स्लीक है, ये टॉप बॉक्स है तो बड़ा है, तो इसका टोटल मुझे पड़ा है 10,000 rupees विद कैरियर विद टॉप बॉक्स। बाय द वे आपको मेरा साउंड सही इसलिए नहीं आ रहा होगा क्योंकि अभी जस्ट मेरा कैमरा गिर गया और ये माइक्रोफोन टूट गया, तो ये आपको पोस्ट क्रेडिट सीन में देखने को मिल जाएगा क्या हुआ था, इतना साउंड तो सही नहीं आ रहा हो। 10,000 rupees विथ GST विथ शिपिंग चार्जेस में हो गया, जो कि बहुत अच्छा है, क्योंकि आप अगर HJG या क्या एक आता है मेरे को पता नहीं है, तो वो टॉप बॉक्स अगर आप लेने जाओ तो फाइबर का पड़ता है लगभग 6,000 rupees, ऊपर से 3,000-4,000 का वो डलवाओगे, आपका जो कैरियर डलवाओगे तो वो उसका सपोर्टिंग नहीं होगा, थोड़ा अलग दिखता है बट ये सही दिखेगा। तो कोनन वालों से मैंने कहा कि भैया देख लो इस बार तो मैं आपसे टॉप बॉक्स में खरीद रहा हूँ, प्लीज थोड़ा सा डिस्काउंट दे दो, तो वो बोलते हैं कि सर डिस्काउंट तो नहीं देगा पर मैं आपको बैकरेस्ट दूंगा, पता नहीं पीछे किसको बिठाऊंगा सिंगल वाले।
यार सो फाइनली डन। कसम से यार इसने हालत बिगाड़ दिया। अगर आज मैंने अगर उसी दिन मैंने अगर सही से कर लिया रहता ना तो आज ये नौबत ना आती। वैसे अच्छा है बाय द वे, अगर किसी ने भी कोनन का पैनियर्स लिया है तो नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखना इस वाले हिस्से को हमेशा ऊपर लगाना है ना कि नीचे की तरफ, सो दैट ये सेट हो सके। हाँ अब ये बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा, ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ जाएगा। करेक्ट ये वीडियो बहुत शॉर्ट बना है, मैंने एक्चुअली एक्सपेक्ट नहीं करा था कि इतना शॉर्ट बनेगा। और वीडियो के आपने स्टार्टिंग में देखा, पहला तो दो चीज है, पहला चीज तो ये कि वीडियो के आपने स्टार्टिंग में देखा होगा कि जो डेट जब मैं देता हूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी। एक्चुअली सीन क्या हुआ, ये वीडियो मैंने रिकॉर्ड करना स्टार्ट करा था 2 फरवरी से और आज आई थिंक 9 फरवरी है। बेसिकली हुआ क्या, बीच में सरस्वती पूजा पड़ गया तो सरस्वती पूजा के दिन मैं पूरा बिजी रहा। ये आप कुछ फोटोज देख सकते हो सरस्वती पूजा के दिन का है, तो पूजा का टाइम में था, हमारी बिल्डिंग में पूजा हुआ था वो हुआ। उसके बाद जिस दिन ये पैनल्स इंस्टॉल करा, मतलब एक्चुअली जो रैक वैक इंस्टॉल करा, फिर हमारे इधर बुक फेयर था तो बुक फेयर घूमने चला गया। और अभी दो दिन पहले ही मैं एक वेकेशन के लिए गया था, दो दिन का वेकेशन था, शॉर्ट वेकेशन था, तो उसमें भी कोई ब्लॉग नहीं बनाया, कोई शूट नहीं करा। वो मैंने इंस्टाग्राम पर डाला हुआ था, आप अगर इंस्टाग्राम पर फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा उसका कोई ब्लॉग नहीं आया, क्योंकि कुछ पर्सनल चीज होती है उन्हें आप दिखा नहीं सकते शायद, या फिर मैं रेडी नहीं हूँ। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो ये वाला सीन है और गाड़ी अभी ऑलमोस्ट रेडी है, सिर्फ एक दो प्रॉब्लम है, आई होप बहुत जल्दी ठीक हो जाए, क्योंकि आज है वेडनेसडे और इस संडे मैं राइड के लिए निकलने वाला हूँ। राइड काफी ज्यादा लंबा होगा, सो जल्दी जल्दी प्रिपेयर करना है, जल्दी जल्दी निकलूँ, क्योंकि आप लोगों का भी डिमांड है और एक्चुअली मुझे भी अभी राइड पे जाना, अब मेरे को अच्छा नहीं लग रहा शॉर्ट राइड्स करके, एकदम मजा ही नहीं आ रहा है। सो भैया आज के वीडियो के लिए बस इतना है, अगर आपको फर्दर कोई भी अपडेट चाहिए जब मैं राइड नहीं कर रहा हूँ, आई मीन जब मैं कोई व्लॉग नहीं दिखा रहा हूँ, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो, आप वहाँ पे आपको एवरीडे का पूरी डिटेल मिल जाएगा। सो इसी नोट पे मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन राइड सेफ, यूज हेलमेट एंड रिस्पेक्टिव पेरेंट्स, रिस्पेक्टिव कंट्री। जय हिंद, बाय बाय। मटेरियल का बना हुआ और इसका टोटल मुझे पड़ा 10,000 रुपीज, 10,000 रुपए। हेलो माइक टेस्टिंग।